हाय एवरीवन, हमने डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कंप्लीट कर लिया था एमईडी का। उसमें काफ़ी चीज़ें हमने देखा था, सेक्शन प्लेन कट कर रहा था, डबल सेक्शन प्लेन कट कर रहा था, और होल्स किसी भी सॉलिड में किया हुआ है तब उसका डेवलपमेंट कैसे करते हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो लेक्चर देख लीजिएगा। वो सारे लेक्चर को आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया, काफ़ी पसंद किया है, और आगे के लिए भी काफ़ी लोगों ने डिमांड किया। डिफरेंट कॉलेजेस से मुझे कमेंट्स आए हैं, मैसेज आए हैं कि आगे के लेक्चर भी आप प्रोवाइड कीजिए। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि असेंबली स्टार्ट करता हूं और इसे वन बाय वन कंप्लीट करता चला जाऊंगा, जिससे कि आपका एक अच्छा खासा जो मार्क्स ये कैरी करता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दो चीज़ें आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, फर्स्ट है असेंबली है और सेकेंड है डिसेंबली। तो हम लोग यहाँ पर असेंबली पढ़ने वाले हैं। अगर असेंबली आप पढ़ लेंगे तो डिसेंबल भी कर सकते हैं, बट डिसेंबल वाला चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे असेंबली अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, बिकॉज असेंबली से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर 30 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और 10 मार्क्स डेवलपमेंट से कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 40 मार्क्स, और इंटरसेक्शन एक आप कर लीजिएगा तो उसे 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। इस बार भी एली का जो एग्जाम हुआ है उसमें काफ़ी डेवलपमेंट जो हमने कंप्लीट किया था यहाँ पर सेम टू सेम उसी से क्वेश्चन आया हुआ है, उसे अलग नहीं आया। 10 मार्क्स आपको वहाँ से, अगर डेवलपमेंट का आप लेक्चर देख लीजिएगा मेरा, तो 10 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आज असेंबली स्टार्ट करते हैं। तो असेंबली क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, डिफरेंट्स कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपको क्या करना है, अटैच करके असेंबल करके एक पार्ट्स बनाना होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी साइकिल दुकान में जाते होंगे तो साइकिल देखते होंगे, जब आप न्यू परचेज करते होंगे तो कभी कभी वो असेंबल किया हुआ होता है, बट कभी कभी वो खुद से भी असेंबल करते रहते हैं। जैसे कि आपका व्हील अलग रखा हुआ है, उसमें जो स्पोक है वो लगा हुआ नहीं है, स्पोक वो लगाते हैं वहां पर। टायर जो है वो व्हील पर नहीं लगा हुआ है, उसको अटैच करते हैं वो, तो ये सब असेंबली का ही पार्ट है। फिर डिफरेंट व्हील है, फिर उसका एक्सल जो होता है, फ्रेम जो होता है, फ्रेम पर डिफरेंट चीज़ें असेंबल करते हैं, जैसे हैंडल लगा देना, सीट लगा देना, सीट में सीट कवर लगाना, फिर व्हील के ऊपर जो होता है कवर लगा देना। तो ये सब असेंबली का ही पार्ट है। डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक जगह असेंबल करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी लार्ज साइज कंपोनेंट्स है वो साइकिल। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके इजली अंडरस्टैंड के लिए कि आप लोग कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल भी आप यूज़ करते हैं, तो वे एक असेंबली का ही पार्ट है। डिफरेंट्स कंपोनेंट्स अंदर में रखे हुए हैं, उनको असेंबल कर दिया गया है, लास्ट में उसको कवर से ऊपर से अटैच कर दिया गया है, तो वो भी एक तरह का असेंबली हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट्स असेंबली हम लोग को पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में कुछ कुछ असेंबली का नेम दिया हुआ है, वो देख लेंगे, और अगर कुछ एग्जाम में आया हुआ है जो कि सिलेबस में नहीं दिया हुआ तो उसको भी हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो भी असेंबली से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है या फिर एमईडी में अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, वो वीडियो को लास्ट में अटैच करते चले जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या आपके सिलेबस में पढ़ना है असेंबली में। असेंबली आप लोग समझ गए, असेंबली ड्राइंग हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो असेंबली आपने समझ गया कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को हमने एक जगह अटैच करके एक सिंगल आइटम, सिंगल कंपोनेंट्स बना दिया। नंबर ऑफ पार्ट्स अलग अलग हैं, उनको अटैच करके हम लोग एक सिंगल कंपोनेंट्स, सिंगल आइटम्स बना दिया, सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो वो हमारा असेंबली हो जाता है। डिफरेंट्स कंपोनेंट्स है उसको अटैच किया हमने। जैसे साइकिल में आपको बताया व्हील अलग है, स्पोक अलग है, सीट कवर अलग है, उसका फ्रेम अलग है, हैंडल अलग है, पीछे का जो कैरियर होता है वो अलग है। उस टाइप से हमने कंबाइन करके एक साइकिल बना दिया, वो असेंबली हो गया। आप लोग ऐसे देखे होंगे कि आपके घर के अगल बगल कुछ हार्डवेयर शॉप होते हैं, वहां पर भी असेंबली काफी होते रहती है। कोई जनरेटर आपको देखे होंगे, जनरेटर जो होता है वहां पर क्या होता है, नीचे का जनरेटर का ब्लॉक होता है जिसमें मोबाइल्स रखे हुए होते हैं, उसके ऊपर हम लोग सिलेंडर ब्लॉक रखते हैं, सिलेंडर ब्लॉक के अंदर पिस्टन को अटैच करते हैं, पिस्टन के ऊपर फिर सिलेंडर कवर रखते हैं ऊपर से, जिसमें नंबर ऑफ होल्स लगे होते हैं, उसमें हम लोग इनलेट वाल्व को अटैच करते हैं, फिर पाइप्स को अटैच करते हैं। तो वो भी एक तरह का असेंबली है जो फाइनल असेंबली होकर जनरेटर्स बनता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं असेंबली ड्राइंग। तो असेंबली ड्राइंग भी एक तरह का ड्राइंग है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो अलग अलग आपके क्वेश्चन में दिया है उसको असेंबल करके एक सिंगल ड्राइंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कपलिंग दे दिया या बियरिंग दे दिया, जैसे लेथ टूल पोस्ट दे दिया, लेथ का टूल पोस्ट है, या फिर आपने वाइस तो देखा ही होगा, वर्कशॉप में वाइस रखा होता है, मशीन वाइस, पाइप वाइस, तो वाइस का अलग अलग कंपोनेंट्स है, हैंडल अलग दे दिया, फ्रेम अलग दे दिया, तो उसको कंबाइन करके उसका फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू अगर क्वेश्चन में दिया है टॉप व्यू बनाना है, और अगर साइड व्यू बोला है तो साइड व्यू भी बनाएंगे, बट जनरली फ्रंट व्यू या टॉप व्यू अटैच करके देता है। तो हम लोग यहाँ पर उसी असेंबली का ड्राइंग करने वाले हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स अलग अलग दे देगा, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट, फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स दे देगा, नट दे देगा, बोल्ट दे देगा, स्प्रिंग दे देगा, और भी जो जो मेन बॉडी है वो पार्ट दे देगा, उसको बोल देगा कि इसका असेंबली कीजिए और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू भी बनाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स को अटैच करके एक सिंगल कंपोनेंट बना लेंगे। सिंगल कंपोनेंट का फ्रंट में कैसा दिख रहा है वो हम लोग बना लेंगे, फिर इसका बनाने के बाद फिर टॉप में वो कैसा दिख रहा है वो हम लोग को यहाँ पर बनाना होता है। तो ये असेंबली ड्राइंग भी एक तरह का ड्राइंग है जहां पर हम लोग असेंबल्ड किए हुए पार्ट्स का वन बाई वन
असेंबल करते हैं और असेंबली करते करते उसका हम लोग ड्राइंग बनाते चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट्स का बना लिया हमने, जैसे मान लीजिए कि आपको साइकिल का करना है, साइकिल का आपने पहले फ्रेम बनाया, फ्रेम के ऊपर यहाँ पर आप सीट बनाना है, उसके बाद सीट को हमने अटैच किया, सीट के इधर फिर हैंडल बना दिया हमने, नीचे में हमने व्हील अटैच कर दिया वहां पर, तो ये भी एक तरह का असेंबली है। बट यहाँ पर ड्राइंग के फॉर्म में कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें शीट पे करना होता है, तो शीट पर हम लोग वन बाई वन पार्ट्स को, कंपोनेंट को अटैच करते जाते हैं और एक असेंबली फाइनल बन जाती है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट देता है। सेम टू सेम हमने यहाँ पर वैसे ही करना है। आपके सिलेबस में यहाँ पर कपलिंग पढ़ना है, कपलिंग क्या होता है, इन सब से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इन सारे से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिटेल भी हर एक का हम लोग देखते चले जाएंगे, जिससे जिससे डिटेल हम लोग को मिलते जाएगा उसके बारे में डिटेल देखते चले जाएंगे, उसके टाइप्स के बारे में देखते जाएंगे, कहाँ कहाँ वो यूज होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो कपलिंग, दो शाफ्ट है अगर, चाहे वो लेटरल अलाइनमेंट हो, लीनियर अलाइनमेंट हो या फिर एंगुलर अलाइनमेंट हो, वहां पर यूज करते हैं, वो क्या होता है हम लोग जब कपलिंग का असेंबली स्टार्ट करेंगे तो देख लेंगे। अभी फिलहाल बेसिक हम लोग कर रहे हैं। बियरिंग शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसमें भी टाइप्स होते हैं, फुट स्टेप बियरिंग होते हैं, थ्रस्ट बियरिंग होते हैं। लेथ टूल पोस्ट, लेथ का टूल पोस्ट होता है जहां पर टूल को अटैच किया जाता है, टाइट किया जाता है, वो लेथ का टूल पोस्ट होता है। तो ये एग्जाम में आपके एली वाले एग्जाम में आया हुआ है, टूल पोस्ट होल्डर आया हुआ है, वही लेथ टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट होल्डर करके वो पूछा हुआ है, वही लेथ टूल पोस्ट है। इस बार जो एग्जाम अभी हाल में 4 to 5 days पहले जो हुआ था उसमें आया हुआ लेथ टूल पोस्ट। मशीन वाइज या पाइप वाइज, वाइज तो आपको पता ही है, जो वर्कपीस को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं उसका यूज है यहाँ पर, उसका असेंबली हम लोग करना है। फिर स्क्रू जैक आया हुआ है, स्क्रू जैक देखे होंगे जहां पर जब फोर व्हीलर का अगर आपको व्हील रिमूव करना होता है वहां पर, मान लीजिए पंचर हो जाता है वो, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू जैक से फोर व्हीलर को अप कर लेते हैं, लिफ्ट वहां पर कर देते हैं और उसके बाद फिर वहां से व्हील को डिटैच कर लेते हैं। उसके बाद स्टीम स्टॉप वाल्व है, ये एक तरह का वाल्व होता है जो हम लोग बॉयलर में यूज करते हैं। ये सब क्या होता है वो हम लोग वहां पर देख लेंगे, बट यहाँ पर आपके सिलेबस में इतना सारे का असेंबली दिया हुआ है। वन बाई वन हम लोग इसके अंदर 2-3 पढ़ना होगा, इसके अंदर भी 2-3 पढ़ना होगा। ये सिंगल है आई थिंक, ये भी सिंगल है आई थिंक, ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, तो ये दोनों के अंदर 2-3 आपको पढ़ना होगा। कपलिंग का टाइप्स पढ़ लेना होगा, जैसे ओल्डम कपलिंग यूज करते हैं हम लोग, फिर आई थिंक हुक्स ज्वाइंट हम लोग हुक्स कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग यूज करते हैं, ये दोनों पढ़ लेंगे। बियरिंग के अंदर भी कुछ टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद सब सिंगल सिंगल हम लोग देख लेंगे। तो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं कोशिश करूंगा वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, और वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो बोर्ड पर समझा दूंगा, और अगर नहीं पॉसिबल हुआ, कोई कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको आपको इमेज दिखा दिखा कर बनाना पड़ता है, जैसे कि हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट ईयर में देखा था उसी टाइप से। अगर जैसा नहीं, अगर बोर्ड पे पॉसिबल नहीं होगा तो फिर हम लोग पीपीटी के हेल्प से यहाँ पर आपका इमेज शो होता रहेगा और यहाँ पर उसको ड्रॉ करते जाएंगे, जैसा भी पॉसिबल होगा वैसे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 100% कोशिश किया जाएगा आपको समझ में आ जाए, नहीं फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हमने देख लिया ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद एक डिसेंबल देता है, डिसेंबल करने के लिए भी एक क्वेश्चन आता है उसी के और में रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि असेंबली ही कोशिश करना है कि बन जाए तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ये थोड़ा इजी होता है। ये समझिए कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग सोचते थे ये 30 marks हमारा फ्री में मिल रहा है, बिकॉज सारे इमेजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, बस उसका हमें डायमीटर ध्यान में रखना है, हाइट ध्यान में रखना है और कौन किस पे लग सकता है वो हमें ध्यान में रखना है। तो बड़ा कंपोनेंट है, अगर लार्ज कंपोनेंट है, लार्ज के पास छोटा लगेगा, ऐसा तो नहीं है छोटा पर आप बड़ा लगा दीजिएगा, तो लार्ज कंपोनेंट है तो पहले लार्ज का बनाना है, फिर स्मॉल का बनाना है, कहाँ कहाँ होल दिया हुआ वहां पर स्क्रू लगाना है, नट लगाना है। ये आई थिंक फ्री में आपको 30 marks मिलते हैं, बट थोड़ा सा इमेज को माइंड में रखना होगा कि किस कंपोनेंट पर, किस पार्ट्स पर कौन सा पार्ट्स असेंबल होने वाला है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। बाकी क्वेश्चन में तो ये ऑलरेडी फिगर डिफरेंट कंपोनेंट 5 to 6 कंपोनेंट्स दे देगा, बोल देगा इसको असेंबली कीजिए, तो ये असेंबल का क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो डिसेंबल का क्वेश्चन देखकर उसको असेंबली समझ लेते हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे कि अब आया था अभी एली के एग्जाम में लेथ टूल पोस्ट, तो वो क्या किए, लेथ टूल पोस्ट का असेंबली आया था और एक प्लम्बर ब्लॉक का डिसेंबल आया हुआ था, तो वो क्या किए, प्लम्बर ब्लॉक को ही असेंबली में बना लिए, जबकि उसको डिसेंबल करना था, उसे नंबर ऑफ पार्ट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना था, वो डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज अगर साइकिल दे देगा बोल देगा इसको डिसेंबल कीजिए तो बहुत सारा कंपोनेंट जो होगा वो हिडन फॉर्म में होता है या फिर वो बहुत स्मॉल दिखता है जिसको आप देखकर समझना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आपको हर एक चीज का डायमीटर याद होना चाहिए, हर एक चीज का हाइट याद होना चाहिए, तो डिसेंबल थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा पहले हम लोग असेंबल अच्छे से कर लेंगे। और इससे कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक डिसेंबल से आएगा, एक असेंबल से आएगा, दोनों एक दूसरे के और में रहता है, तो हम लोग जनरली इसी को बनाते हैं असेंबली, जिससे कि 30 marks आपका 100% सिक्योर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे इसको वन बाई वन, अगले क्लास में हम लोग कपलिंग स्टार्ट करते हैं। कपलिंग का पहले टाइप्स देख लेंगे, थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको देख लेंगे कितने टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ क्या यूज करते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा ये आता है कि क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं।
इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा, आई थिंक आज तो डाउट होगा नहीं, अगले क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा जैसा टाइम मिलता जाएगा मैं कोशिश करूंगा वीडियो को प्रोवाइड करता जाऊं आपको, और एग्जाम से पहले पहले तो कम से कम असेंबली आपका 100% कंप्लीट हो जाए, और टाइम अगर बचता है तो फिर इंटरसेक्शन भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है तो इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए pekun.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, pekun.in का लिंक आपको मिलेगा। वहां पर जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं, जो भी आप पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं इस चैनल को, तो आप वहां पर जाकर डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि इस चैनल को ग्रोथ होने में हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेंगे अगले क्लास में जैसा रिक्वायरमेंट होता है, अगर स्लाइड के फॉर्म में पढ़ने का तो स्लाइड के फॉर्म में, अदरवाइज बोर्ड के फॉर्म, बोर्ड से हम लोग पढ़ेंगे तो बोर्ड से, जो डिफिकल्ट होगा, जो बोर्ड पर पॉसिबल नहीं होगा वो हम लोग स्लाइड से देख लेंगे। वैसे आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करता जाऊं, वन वन क्वेश्चन जैसे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते थे, बिकॉज अब असेंबली आपका स्टार्ट हो गया है, असेंबली से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और आप भी बहुत सारे डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं या फिर इंटरसेक्शन भी आई थिंक पढ़े होंगे, तो वो सब क्वेश्चन मैं इंक्लूड करता जाऊंगा, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो समझाता भी चला जाऊंगा। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, आप देख लीजिएगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डालूंगा, उसके बाद फिर आप लोग उसका आंसर कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, रिविजन के लिए आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन देख लीजिए, द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सर्फेस ऑफ अ प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ, अगर किसी भी प्रिज्म का हम लोग लेटरल सर्फेस का डेवलपमेंट करेंगे तो सेम नंबर ऑफ उसके पास क्या होगा, ये पूछ रहा है। इन कॉन्टैक्ट एज द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म, मतलब प्रिज्म का जो बेस का साइड होता है उतना नंबर ऑफ यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है। ऑप्शन आप देख लीजिए, हमें स्क्वायर मिलेगा या हमें रेक्टेंगल मिलेगा या ट्रायंगल मिलेगा या पैरेललोग्राम मिलेगा। क्वेश्चन आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये 2020 में एली वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बोल रहा है कि जब प्रिज्म का हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर प्रिज्म है, तो स्क्वायर प्रिज्म का बेस होगा, सिंगल बेस होगा, उसके पास दो बेस होता है प्रिज्म के पास, तो बेस के पास फोर एजेस होते हैं, तो जितना एज है या जितना साइड है उस साइड के बराबर जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो उसका शेप क्या क्या मिलता है वहाँ पर और क्या रहता है, मतलब जो डेवलपमेंट किया हमें वो स्क्वायर मिलता है वहाँ पर रेक्टेंगल मिलता है कि ट्रायंगल मिलता है कि पैरेललोग्राम मिलता है। इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए, अगले क्लास में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो, अगर राइट आंसर पता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइडेड हैं, आप चाहें तो कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ इंजीनियर सारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। फेसबुक पेज का भी लिंक है, आप चाहें तो फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मैसेज का ऑप्शन दिया है, मैसेज भी कर सकते हैं। और एक pekun.com का भी लिंक है, आप वहाँ पर pekun.in या pekun.in करके है, वहाँ पर जाकर अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जो भी डोनेशन देना चाहते हैं आप दे सकते हैं चैनल के इम्प्रूवमेंट के लिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।